हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हमारा मैथ्स का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए। इसके साथ ही कोई भी अदर वनडे कॉम्पिटेटिव हमारा एग्जाम जो है उसके लिए हम हमारा मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को आज 27वीं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं 26 क्लास ले चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट भी हमारे SSC उत्कर्ष वाले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग डिस्काउंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अब फिलहाल, और डिस्काउंट की आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है दोस्तों। कल मैंने डिस्काउंट का पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से पहला पार्ट समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आगे हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे अगले क्वेश्चंस को। आज की क्लास में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में करवा पाऊँ बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं कोशिश करूंगा, और इसके लिए हमें थोड़ा सा अगर जल्दी क्वेश्चन करना पड़े कोई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों को टाइम मिलेगा, आप आराम से अपना जवाब दे सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर सवाल आप लोगों के सामने है, ध्यान से समझ लीजिएगा। टाइमर में लगा देता हूँ, सभी साथियों का स्वागत है, बहुत बहुत सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड का आपको मिलेगा। कल मैं ये टाइप आप लोगों को पढ़ा भी रहा था, बहुत सारी बातें मैंने जो पॉसिबल हो सकती है ना वो मैंने बताया था। सवाल पढ़ेंगे, एक वैद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपये है। एक दुकानदार इस पे 10% छूट देने के बाद 8% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो कोई भी छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है, कोई भी डिस्काउंट अगर वो नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सुनो। जैसे यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है आप लोगों को 690 रुपये, जैसे यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है 690 रुपये, बट आंसर जो है ना वो परसेंटेज में पूछा है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आंसर परसेंटेज में पूछा है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो भाई। 10% का डिस्काउंट देता है कोई दुकानदार, आप मुझे खुद बताओ डिस्काउंट कौन से मूल्य पे दिया जाता है? डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई बंदा अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देगा तो अंकित मूल्य कितना परसेंट रह जाएगा? 90% रह जाएगा। अगर कोई बंदा अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो अंकित मूल्य 90% हो जाएगा। फिर भी वो 8% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 108%। इसका मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 108%। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए चीज़ों को। जैसे परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा, 18 से काटोगे आप इसको 5 बार, 18 से काटोगे आप इसको 6 बार। अगर आप देखो तो CP और MP का यहाँ पे रेशियो निकाला जा सकता है, CP और MP का रेशियो निकाला जा सकता है। CP के सामने दोस्तों CP हमारा आ जाएगा, और MP के सामने दोस्तों MP हमारा आ जाएगा। यानी कि भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 5:6। ठीक है, अब सुनना, सवाल में कह रहा है अगर वो कोई भी छूट नहीं देता तो उसका लाभ कितना होता? देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, क्रय मूल्य 5 है, अंकित मूल्य 6 है। अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, आपको भी पता है डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, अगर वो बंदा कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो सीधी सी बात है भाई माल उसका 6 में ही बिकता। जब कोई बंदा डिस्काउंट नहीं देता है तो आपको पता है अंकित मूल्य पे ही चीजें बेची जाती हैं। अगर कोई बंदा डिस्काउंट नहीं देगा तो अंकित मूल्य आपको कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो बेचेगा भी कितने में? 6 में बेचेगा। अरे वस्तु कितने की थी? वस्तु तो 5 रुपए की थी दोस्तों, ये तो 5 की थी। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि 5 का माल कितने में बेचा जा रहा है? 6 में बेचा जा रहा है। तो आप मुझे खुद बताओ कि भाई जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे होने वाला है वो कितने का होगा? 5 का माल 6 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे? 5 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कह सकते हो सर ये आ जाएगा मेरा 20%। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो 20%, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, यहां तक बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला सवाल आप लोगों के सामने है ये वाला। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री भी देता है, 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखा गया है? एक बेहद ही बेहतरीन, जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लाजवाब सवाल है। अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों को मैं जरूर करवाऊंगा, फेमस क्वेश्चन है, SSC में बार बार पूछा गया है। इसमें ना एक चीज दी हुई है, पहले आप उस चीज का मतलब समझोगे तब आप लोग इस सवाल का जवाब दे पाओगे। देखो, एक डिस्काउंट तो दिया हुआ है 4% का, नो डाउट एक डिस्काउंट तो दिया हुआ है, कितने परसेंट का? 4% का। लेकिन जो दूसरा डिस्काउंट है ना वो इसने पता है कैसे दिया हुआ है? 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री मिल रही है, यानी बाई 15
गेट वन फ्री, गेट वन फ्री ऐसा ये बोल रहा है। तो ये दो दो डिस्काउंट हो गए। तो पहले आप इन दो डिस्काउंटों को एक डिस्काउंट बनाओ, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, तब आप इस सवाल को कर सकते हो। जैसे ये वाला है ना भाई, अगर मुझे पता है कि केवल एक ही डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो मैं कह दूंगा यार अंकित मूल्य 90% रह जाएगा, 8% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 108 हो जाएगा, अगर मुझे पता हो एक ही डिस्काउंट है तो। तो ऐसे ही आप लोगों को ना यहाँ पे भी करना है मेरे भाइयों, आप लोगों को इन दोनों डिस्काउंटों को एक सिंगल डिस्काउंट में बदलना है, या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका आप सक्सेसिव निकालो। अब देखो सुनो, इसको आप भिन्न में बदलो, 4% का मतलब होता है 1/25, 4% का मतलब होता है 1/25, जबकि इसका मतलब क्या होता है 2/15 गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे सर सुनो, इसका मतलब है एक का डिस्काउंट दे रहे हैं, टोटल नीचे आता है, टोटल हो जाएगी देखो 15 तो खरीदनी पड़ रही है, एक फ्री भी मिल रही है, तो टोटल अपने पास ना 16 हो जाएंगी, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। बट हम परसेंटेज में नहीं बदल रहे, हम भिन्न से ही सवाल को करना चाहते हैं, हम भिन्न से ही। आप परसेंटेज में बदल लो, ये लो भाई परसेंटेज में बदल लो, ये आपका 4% हो गया। और आप अगर इसे देखोगे ना, तो भाई एक फ्री मिल रहा है टोटल 16 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो ये आपका 6.25% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा। अब सुनो, एक तो 4% है, एक 6.25% है, सक्सेसिव निकालने के लिए ए प्लस बी लगा दो, 4 + 6 - 4 × 6 और बटे में आ जाएगा 100, बटे में कितना आ जाएगा 100। सुनो, 4 और 6 ये हो जाएगा 10.25, ठीक है भाइयों। माइनस देखो 6.25 को 4 से गुणा करोगे 25 आएगा, और 25 में 100 का भाग दोगे तो 0.25 ही रह जाएगा ये भी, है ना। तो 10.25 में से अगर 0.25 चला जाएगा तो ये 10% आएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि यार इन दोनों डिस्काउंटों को मिलाकर आप कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो टोटल। तो आप कहोगे सर मैं टोटल 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। इन दोनों डिस्काउंट को मिलाकर हम बात कर रहे हैं, दोनों डिस्काउंट को मिलाकर आप यहां पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। अब सुनो, आपका सवाल क्या बन गया, सवाल सुन लोगे ध्यान से, सवाल ये बन गया कि भाई 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, फिर भी आप 35% का प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर भी आप 35% का प्रॉफिट कमा रहे हो। पूछा है ये बताओ, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत आपने ज्यादा लिखा है। देखो ध्यान दे लो, बहुत ध्यान से समझना भाई, डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो अंकित मूल्य 90% बच जाएगा। अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे, अंकित मूल्य 90% बच जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 35% का लाभ कमा रहे हो तो क्रय मूल्य 135% हो जाएगा। भाई लाभ क्रय मूल्य पे होता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पे होता है, इतना हम सभी को पता है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा प्यारे भाइयों, 45 से काटो इसको 2 बार, 45 से इसको काटो 3 बार, आप कम संख्या से भी काट सकते थे। सीपी और एमपी का यहाँ से ना रेशियो आ जाएगा, भाई सीपी कितना आ रहा है आपका 2, और एमपी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में ये पूछा गया है बताओ अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखा गया है। तो मुझे बताओ कितना ज़्यादा लिखा गया है, 1 किससे, क्रय मूल्य से यानी किससे 2 से, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा किससे 100 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखा गया है, 50% ज़्यादा लिखा गया है। ओके भाई, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% ज्यादा लिखा गया है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो ये वाली थी कि भाई 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री मिल रही है, तो एक मिल रही है टोटल, लेकिन आप 16 लेके आए थे, तब भाई इसमें 15 खरीदी थी, एक फ्री मिली थी, नीचे टोटल आता है, कभी नीचे आप 15 कर दो तो सवाल गलत हो जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाइयों। देखो भाई अगला सवाल आप लोगों के सामने है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, इसके लिए उसे अपने सामान की अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ये वाला सवाल है आप लोगों के लिए है साथियों, आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से, इसका जवाब आपका क्या होने वाला है जल्दी से मुझे बताइए। बेहद आसान सवाल हो गया, ठीक है। अभी मैंने सेम टू सेम पैटर्न का सवाल करा है, इससे भी बेहतरीन सवाल था जो मैंने अभी अभी आप लोगों को करवाया था, ये तो फिर भी आसान है, तो इसका जवाब आपको जरूर देना है सभी को, ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे सब भाई। देखो भाई डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया जाता है,
अगर कोई बंदा अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देगा तो अंकित मूल्य कितना बच जाएगा? 90% बच जाएगा। उसके बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो अगर कोई बंदा 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 120% आपका हो जाएगा। तो बोला गया है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखा गया है। अब आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, है ना। देखो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से आपका जीरो भी कट गया, तीन से काटूंगा 3 बार और तीन से काटूंगा 4 बार। अगर बात क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की यहाँ पे की जाए तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया 3 और अंकित मूल्य कितना हो गया 4। तो 3 का माल आप 4 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? आप कहोगे सर 1 का हो गया। किस पे? 3 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 से कर दो, तो भाई ये आ जाएगा 33 सही 1/3% आपने ज़्यादा लिखा हुआ है। कितना ज़्यादा लिखा हुआ है? 33 सही 1/3% आपने यहाँ पे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से ज़्यादा लिखा हुआ है। आगे बात समझ में आ नहीं आई, बताओ। ठीक है ना भाई, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा ये पैटर्न है, लेकिन गजब क्वेश्चन है दोस्तों। यकीन मानो डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रकार का क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है, अगर डिस्काउंट का कोई भी सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो। अगला सवाल आपके सामने है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक दुकानदार इस घड़ी पर दो क्रमागत छूट देता है, छूट देने के बाद वो इसे 612 में बेचता है, पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? ऐसा ही सवाल अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में भी करवाया था और उसको बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास भी किया था। तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब मुझे ठीक ठीक दे पाते हैं, जल्दी से बताएंगे भाई। ठीक है, बताओ भाई। बताएंगे सब भाई क्या इसका आंसर होने वाला है। देखो भाई, सुनो, सिंपल बात है, आप मुझे खुद बताओ, एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य आपको कितना दिया हुआ है? 800 आपको दिया हुआ है। एक दुकानदार दो डिस्काउंट देता है, देखो उनमें से एक डिस्काउंट तो 10% का है, 800 का 10% कितना होता है? 80 होता है। 80 का डिस्काउंट दोगे तो माल कितने का बचेगा? 720 का बचेगा। लेकिन 720 का नहीं भैया, माल तो 612 में बेचा जा रहा है। कितने में? 612 में। इसका मतलब एक और डिस्काउंट दिया गया है, तो 720 का माल अगर आप 612 में बेच रहे हो, इसका मतलब आप 108 का डिस्काउंट और दे रहे हो, और वो किस पे दे रहे हो? 720 पे दे रहे हो। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर दो, 0 से 0 कटेगा 36 से 2 बार, 36 से 3 बार, 2 से 10 काट दो मेरे भाई 5 बार, और 5 से 15, यानी कि सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 15। सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 15। बात खत्म। ओके, अगला सवाल देखोगे, देखो बताया गया है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 है, उसको दो क्रमिक छूट क्रम से 20% और 10% के साथ बेचा जाता है, नगद भुगतान पर 5% की एक और छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? बेहद आसान सवाल। देखो आप मुझे बताओ, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 2000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। या तो आप अलग अलग निकाल लो भाई, पहले 20%, फिर 10%, फिर 5%, तब भी आ जाएगा। या मैंने देखो कल भी आपको समझाया था अगर आपको याद हो तो, कि यार अंकित मूल्य 2000 है, पहला डिस्काउंट 20% है, तो मुझे बताओ ये कितना परसेंट बच जाएगा? 80% बच जाएगा। अगला डिस्काउंट 10% है तो ये कितना बच जाएगा? ये 90% बच जाएगा। अगला डिस्काउंट 5% है तो ये कितना बच जाएगा? आप कह दोगे सर 85 बच जाएगा, सॉरी 95। कितना बच जाएगा? ये 95% आपका यहाँ पे बच जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई, बताओ। मैंने क्या बोला, 2000 रुपये की कोई चीज़ है, पहले आप इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 80% बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? फिर आप इस पे 10% का और दे रहे हो तो ये बचा कुचा माल भी 90% बच जाएगा। फिर आप 5% का और भी दे रहे हो तो 95% और बच जाएगा। इसे आप सोल्व कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा इसे सोल्व करने पर। देखो भाई, सोल्व करते हैं, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 0 से 0 कट रहा है, 5 से 19 बार, और 5 से मेरे भाई 20 बार। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे भाई। देखो 20 पंजे 100 होता है, 100 होता है, और 1 जीरो, ये भी 3 जीरो हो गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बात खत्म। नीचे तो बात खत्म, ऊपर बचा 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 19। देखो 2 चौके 8 होता है, और 19 नम्मा 171 होता है, गुणा करो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 5 13, यानी कि आंसर आएगा 1368।
आंसर आएगा 1368, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा। जैसे भी जिसने किया है बहुत ही बढ़िया, बस आप जानते हो सवाल का हमारा जो आंसर है ना वो ठीक तरीके से आना चाहिए, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीके किसी भी क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और ये बात 100% सत्य है। ठीक है, किसी भी सवाल को करने के हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, किसी भी सवाल को करने के। इसको भी है एक से ज्यादा तरीके। ये वाला सवाल देखोगे, 500 रुपये की राशि है, उस पे देखो एक तो 40% छूट दे सकते हो और उसी राशि पे आप दो क्रमागत छूट भी दे सकते हो, 30% और 10%। तो आपको ये बताना है इनमें डिफरेंस कितने का आएगा। चलिए भाई बताइए, आपको बताना है दोस्तों इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बताना है डिफरेंस कितने का आएगा। देखिएगा, आप एक बात बताओ भाई, आपके पास अंकित मूल्य है कितना, 500 रुपये है। ठीक है भाई, मैंने कहा यार देखो, या तो आप एक इस पे अकेला डिस्काउंट ले लो 40% का, या आप यहाँ पे ना दो डिस्काउंट ले लो, 30 और 10 का, 30 और 10 का। अब मुझे बताओ आप, अगर 30% और 10% के दो डिस्काउंट है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी लगा दो सक्सेसिव वाला, यही तो आएगा। तो सुनो, आप अगर देखो ना तो 40 में से ये देखो आपका यहाँ पे 3 एकम 3 घट जाएगा, यानी ये टोटल 37 ही तो हुआ। तो भाई देखो सुनो, ये 40 है, ये 37 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3% का आ रहा है। तो सीधा सीधा आप लोग 500 का 3% निकाल दो, यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कटेगा और 5 दिया 15, तो भाई 500 का 3% कितना आ जाएगा, 15 रुपये। तो देखो भाई, ये तो बेहद आसान सवाल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कई सवाल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं देखो सभी भाइयों से कि यार इस प्रकार के सवाल में तो कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस प्रकार के सवाल में तो बताओ आ सकती है क्या। ठीक है, अगला सवाल देखोगे भाई, देखो भाई सवाल दिया हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% प्रॉफिट कमाता है, अगर वो 56 रुपये का प्रॉफिट कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ऐसी चीजें बता रहा था, देखो कमीशन का मतलब है डिस्काउंट ही दे रहा है यहाँ पे, वो डिस्काउंट दे रहा है सामने वाले दुकानदार को, वो डिस्काउंट ही दे रहा है। ओके, ये आप ध्यान रखें। तो ये बात मैं आप लोगों को बताया ही था दोस्तों कि भाई इतने परसेंट छूट देने के बाद इतना लाभ कमाता है, अगर ऐसा आ जाए तो इसका पैटर्न क्या होगा, बहुत आसान सा पैटर्न मैंने आपको बताया है, सिंपल सी बात है। देखो भाई ट्राई करते हैं, अंकित मूल्य पे 23% का डिस्काउंट देता है तो सीधी बात है अंकित मूल्य बच जाएगा 77%, फिर भी वो 10% का लाभ कमाता है तो भैया क्रय मूल्य हो जाएगा 110%। यहाँ से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो, कैसे भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 11 से 7 बार और 11 से 10 बार क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य आ जाएगा और अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 7:10। अब सुनो, सवाल में ये कह रहा है कि उसको ना लाभ 56 रुपये का होता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो प्रॉफिट जो है वो 10% हो रहा है, परसेंटेज में बात करो तो प्रॉफिट 10% हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू है इसकी 56 रुपये, तो 10% का मान 56 रुपये दिया हुआ है, लाभ क्रय मूल्य पे होता है, तो यहां से अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना हो तो मैं 100% का मान बता दूंगा। देखो 10 का मान अगर 56 है ना, 100 का निकालना, 1 जीरो और लगा दो, 100 का मान आपका 560 रुपये हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 560 है। सुनो, मैं ये कह सकता हूँ जो 7 यूनिट है ना, 7 यूनिट इसकी वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 8 56 यानी 80। अब 1 यूनिट का मान 80 आ गया, 10 का मान आपको बताना है, 80 से गुणा कर दो, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 800 रुपये हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 800 रुपये हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, देखो पहले वाले तरीके से हमने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाला, फिर हमने देखा कि यार यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यू भी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज में हमने अगर देखा तो हमें पता लगा कि भाई हमें 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है, बट एक्चुअल में हमें प्रॉफिट 56 रुपये का दिया हुआ है। मैंने कहा 10% का मान 56 है तो 100 का मान 560 आएगा, आप जानते हो लाभ क्रय मूल्य पर होता है तो यहाँ से वैल्यू क्रय मूल्य की तो आएगी, तो मैं कह दूंगा यार 7 का वैल्यू आ गया हमारे पास 560,
एक यूनिट निकालोगे 80 आएगा, यहां से आप आराम से 10 यूनिट का मान बता सकते हो साथियों, ये कितना आ जाएगा आपके सामने 800, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कराने से पहले एक उत्कर्ष करियर की शुरुआत उत्कर्ष ऑफलाइन बैच के साथ जो भी भाई करना चाहता है, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि यार हमारे यहाँ पे ना एसएससी के फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जो सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप में से कोई भी भाई बहन या आपका कोई जानकार एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो हमारा वो ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग इनका डेट, अलग अलग जो टाइमिंग है वो दिया हुआ है। आप लोगों को मैं बता देता हूं एक बार दोस्तों, सबसे पहले प्रयागराज पे 10 अप्रैल को हमारा बैच शुरू हो रहा है जिसका टाइमिंग है शाम को 3 बजे। ठीक है दोस्तों, एड्रेस देख लीजिए, एलके टावर बैंक ऑफ बड़ौदा मनमोहन पार्क के पास कटरा प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, जोधपुर से जो हमारा ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो 12 अप्रैल को है और इसका टाइमिंग है शाम को 2 बजे का। तो ये मंगल टावर विष्णु धर्मशाला के सामने रातानाडा जोधपुर आप लोग जा सकते हो सेंटर पे, और यहां पे जा सकते हो। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 12 अप्रैल को बैच हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। ये मॉर्निंग का बैच है हमारा 12 अप्रैल को जो स्टार्ट हो रहा है, ये सुबह 7 बजे से हो रहा है, हिंडो नाइट्स गोपालपुरा बाईपास महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास जयपुर, ये हमारा जयपुर स्टार्ट हो रहा है। इंदौर की अगर बात की जाए तो नया बैच हमारा 8 बजे से शुरू होने वाला है दोस्तों, ये ध्यान रहे आप लोगों को। हर्षदीप आर्केड भवर कुआ इंदौर एमपी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भाइयों, तो अब अगर कोई भी आपका जानकार है जो तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप लोग इसको बताएंगे कि भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है। एक प्रकाशक ने 70,000 रुपये की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी, उसे 400 प्रतियां स्पेसीमैन प्रति के तौर पे मुफ्त बांट दिया। स्पेसीमैन का मतलब होता है जैसे भाई अपना प्रचार प्रसार करना इस प्रकार से। ठीक है, उसने 400 कॉपियों को फ्री बांट दिया। वह प्रत्येक किताब पर 30% का डिस्काउंट भी देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य उसने 75 रुपये रखा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपने को बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए भाई देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। आप तो पहले ये देखो कि उसने टोटल माल कितने का खरीदा है। आप कहोगे सर 70,000 का। भाई दिमाग लगाओ, प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी हैं, तो लागत तो 70,000 आई है ना। अब सुनो, इन 2,000 पुस्तकों में से 400 तो फ्री में बांट दी उसने, 400 तो फ्री में बांट दी। अब बची कितनी मेरे भाई, 1,600 बची। ध्यान से सुनना, 2,000 पुस्तक उसके पास थी, उनमें से 400 उसने फ्री में बांट दी, तो इसका मतलब उसके पास 1,600 बची, बस वो इन्हीं को बेच सकता है, 1,600 को बेच सकता है। प्रत्येक का अंकित मूल्य उसने 75 रुपये रखा है। अब सुनो भाई, टोटल अंकित मूल्य अगर मुझे निकालना हो तो भाई 1,600 किताबें, प्रत्येक का अंकित मूल्य 75 रुपया है, तो कर लो भाई गुणा 0 0, 16 5 80, 16 7 112 और 8 120 हो जाएगा, यानी कि भाई ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये। पर वो 30% का डिस्काउंट भी देता है, तो भाई 1,20,000 का 30% कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। 36,000 का अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट दोगे तो फाइनली विक्रय मूल्य आपका आएगा दोस्तों 84,000 रुपये। फाइनली विक्रय मूल्य कितना आएगा, 84,000 रुपये। मैं ये कह सकता हूँ 70,000 का माल उस बंदे ने कितने में बेचा, तो आप कह दोगे सर 84,000 रुपये में बेचा। सिंपल, आया समझ में या नहीं आया भाई। कोई बंदा 70,000 की लागत से कोई सामान बनाता है, 70,000 की लागत से कोई सामान वो बनाता है। दो उसके पास कितनी कॉपियां थी, 2,000 कॉपियां थी प्यारे बच्चों, 2,000 कॉपी उसके पास टोटल थी, उनमें से 400 को उसने फ्री में बांट दिया, 1,600 बची। प्रत्येक का अंकित मूल्य 75 रखा है, तो 1,600 का हो जाएगा 1,20,000। बाद में वो 30% का डिस्काउंट भी देता है, तो टोटल डिस्काउंट इतने का हो जाएगा, मतलब माल बिकेगा कितने का, 84,000 का। आप ध्यान दें, 70,000 का माल अगर आप 84,000 में बेच रहे हो, तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 14,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। और ये किस पे हो जाएगा, 70,000 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। देखो 3 0 से 3 0 कट गए, 14 से काटो 5 बार, और 100 में अगर 5 का भाग दोगे ना, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे हमको 20% का क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 20% गेन। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, लॉस आप जानते हो हानि होता है, इतना तो आप सभी भाई जानते हो, समझते हो चीजों को। क्लियर है भाई, बताएंगे मुझे भाई यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी।
क्लास कैसी लग रही है। सेशन अगर आप सभी भाइयों को पसंद आ रहा है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने सेशन को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों पहुंचा दीजिए, जितने से ज़्यादा आप लोग लोगों तक इसे पहुंचा सकते हो। बहुत शानदार क्लास हमारी ये होती है और बड़ी शिद्दत के साथ बड़े डिसिप्लिन तरीके से हमारी ये क्लास होती है। दोस्तों रेगुलरिटी हम हमेशा मेंटेन रखते हैं, तो रेगुलर हमारी क्लासेस चलती हैं, आप लोगों को पता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इतना काम आप हमारे लिए कर दिया करो, सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई थोड़ा सा आलस ना करे, शेयर आप कर दिया करें। एक बार अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें एक बार अपनी क्लास को आप शेयर कर दीजिए। ओके चलिए भाई, थैंक यू पहले से ही एडवांस में। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक दुकानदार, ठीक है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है। बढ़िया बात है भाई। अगर वो छूट नहीं देता तो उसे 12% का फायदा होता, तो प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी का, ये पूछा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी, प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य आपको बताना है। ओके प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य आपको बताना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो मान लो प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपया है। आप ये मान लो प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपया है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। 5% का मैं डिस्काउंट इस पे दे रहा हूँ। अगर मैं इस पे 5% का डिस्काउंट दूंगा, इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि मैं इसे कितने में बेचूंगा, 95 रुपये में बेचूंगा। इसका मतलब मैं इसे कितने में बेचूंगा, 95 में। सवाल कह रहा है 95 में नहीं बेच रहे हो आप बेच रहे हो 266 में, यानी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 266 रुपया। 95 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 266 रुपया दी हुई है। ठीक है भाइयों, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, यहां से हम अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। सवाल पता है क्या बोला है, अगर वो कोई छूट ना देता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। अगर वो कोई छूट ना देता तो एक बार अंकित मूल्य निकाल लेते हैं कितना आएगा, आप मुझे खुद बताओ। 95 की वैल्यू आ गई ना, आप 19 से काटो इसको, 19 से, 19 से कटेगा देखो ये 5 बार, 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 चौके 76। देखो 5 से अगर मैं 100 का मान निकालना चाहूंगा ना, तो भाई देखो मुझे 20 गुणा करना पड़ेगा, इसका 20 गुणा करोगे 280 आएगा। यानी कि मैंने ये कहा कि मेरा जो अंकित मूल्य है ना वो 280 रुपये आ गया, अंकित मूल्य 280 रुपये आ गया। सवाल में बोला है अगर कोई छूट ना देता तो 12% का प्रॉफिट होता। अगर वो बंदा कोई छूट ना देता तो उसका माल भी तो 280 में ही बिकता, अगर वो कोई छूट नहीं देता तो माल भी तो 280 में ही बिकता। ये जो 280 में उसका बिक रहा है ना, इस पे उसको क्रय मूल्य पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये क्रय मूल्य का 112% है। बात खत्म। देखो दोस्त 28 से ही काट लो, 28 से 10 बार, 28 से 4 बार, ठीक है, 4 से आप काट लो इसको 25 बार, 25 ऊपर आएगा, 25 गुणा 10, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा 250। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250। ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा सवाल है यार, कितना प्यारा है, इसे एग्जामिनर ने बनाया, बच्चा सोचे कैसे करूं है, यही तो है ना। ठीक है, चलिए समझेंगे दोबारा भाई, बिल्कुल भाई दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दे लो। एक साड़ी का अंकित मूल्य 100 है, 5% के डिस्काउंट पे बेचा 95 में, सवाल कह रहा है 266 में बेचा है भैया, है ना, तो 95 का मान दिया हुआ है, 19 से काटा 5 का मान आ गया, 20 गुणा करके सीधा 100 का मान निकाल लिया, 100 कौन है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का मान आ गया। सवाल में कह रहा है अगर वो बंदा कोई डिस्काउंट नहीं देता ना तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। अब सुनना, अगर कोई बंदा कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य पे माल को बेचेगा, अंकित मूल्य पे बेचने का मतलब है 280 में बेचेगा, ऐसा करने पर उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी उसका क्रय मूल्य है वो 112% हो जाएगा, तो क्रय मूल्य का 112% ही तो है ये 280, बस यहां से क्रय मूल्य आ गया 250। अब आया समझ में या नहीं आया बताओ, अब तो आ गया होगा निश्चित रूप से। ठीक है, ऐसी में उम्मीद आप सभी भाइयों से करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया ना। अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी और क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया, तो अंकित मूल्य पर उसे कितना नुकसान होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य पर उसे कितना नुकसान होगा ये आपको बताना है। देखो भाई अंकित मूल्य पे 30% छूट प्राप्त की, आप मान लो कि भैया किसी चीज का अंकित मूल्य 100 है, उसने 30% का डिस्काउंट लिया,
अब 30% का डिस्काउंट लिया तो भैया कितने की बिकी वो चीज, 70 की उसने खरीद ली। देखो अंकित मूल्य, किसी भी चीज का अंकित मूल्य 100 है, उसने 30% का डिस्काउंट लिया, इसका मतलब उसने माल को 70 में खरीद लिया। फिर उसने क्या किया पता है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए घड़ी को बेचा है, क्रय मूल्य पर इस पर 40% का लाभ कमाया है। तो मुझे बताओ, अगर बंदे को लाभ 40% हो रहा है, तो 70 का जो 40% होता है वो 7 चौके 28 यानी कि 280 होता है क्या? बताओ आप, 70 का 40% अगर निकालोगे तो 28 हो जाएगा ना भाई। देखो 70 का 40%, 40% दो जीरो कट गए तो 7 चौके 28 आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने माल को बेचा कितने में, तो 70 में 28 जोड़ो यानी उसने माल को 98 रुपये में बेचा है, 70 का खरीदा था 98 में बेचा है। समझ गए बात को? अंकित मूल्य पर 30% के साथ तो खरीदा है, मतलब 100 पे 30 का डिस्काउंट मिल गया, 70 में तो खरीदा है, फिर इस पे 40% का लाभ कमाया है, इसका 40% 28 होता है, 28 का प्रॉफिट कमाएगा तो 98 में बेचेगा। सवाल ये कह रहा है, ये बताओ अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का हानि हुआ, अंकित मूल्य पर इसके हिसाब से हिसाब लगाना है। तो यार 100 का माल 98 में गया, मैं ये कह सकता हूँ अगर अंकित मूल्य के हिसाब से लगाना है ना, तो कितने का हानि हुआ, 2% का हानि हुआ। अंकित मूल्य के हिसाब से अगर आपको लगाना है दोस्तों, तो कितने का हानि हुआ, 2% का क्या हो गया, लॉस यहाँ पे हो गया। क्लियर है भाई? बताएंगे सब भाई एक बार, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी सभी भाई बताएं भाई। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, इस वाले सवाल का जवाब आप दीजिए दोस्तों, इस वाले सवाल का जवाब सभी भाइयों को देना है, जल्दी से बताइए। इस वाले सवाल का जवाब सभी भाइयों को देना है, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल बताएं भाई, सारे के सारे भाई एक साथ। बोला गया एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और वो 6 सही 1/4% का डिस्काउंट देता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा बताइए। कितने का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, देखिएगा भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो किसी भी चीज का लागत मूल्य 100 है, आप ये मान लो किसी भी चीज का लागत मूल्य 100 है, 30% वो ज्यादा अंकित करता है, अगर वो 30% ज्यादा अंकित करेगा तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका 130 हो जाएगा, ऐसा ही है ना भाई। अब सुनो, वो 6 से ही 1/4% का डिस्काउंट देता है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना है कितने परसेंट का, 6 से ही 1/4% का डिस्काउंट देना है। अब आप सभी भाई जानते हो कि 6 से ही 1/4% का मतलब क्या होता है, तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/16 हिस्सा होता है, ठीक है भाई, 1/16 होता है। तो आप 130 का 1/16 हिस्सा निकाल लो, काटो भाई, देखो 2 से काट दो, ये 8 बार कट जाएगा, 2 से 65 बार कट जाएगा। अब आप भाग दो तो ये आएगा 8 से ही 1/4, टोटल अगर मैं देखूं तो ये आएगा 8 से ही 1/4, यानी कि इतने का डिस्काउंट आपको देना है। अब कैसे घटाओगे सुनो, 130 में से ना 8 से ज्यादा है ये, तो 9 घटाओ, 130 में से 9 घटाओगे 121 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, यानी फाइनली मैं ये कह सकता हूँ आपने माल को बेचा है 121 सही 3/4 रुपए में। अब आप एक बात बताओ, 100 रुपये का तो माल आप लेके आए हो मेरे भाई, और बेच कितने में रहे हो, तो 121 सही 3/4 में बेच रहे हो, तो टोटल जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा भाई, लाभ हमको बताना है, लाभ अगर आपको बताना है तो कितने का हो जाएगा, वो 21 सही 3/4 रुपए का, इतने परसेंट का, सॉरी परसेंट में हम लोग डाटा लेके चलेंगे, तो ये आएगा मेरे भाई 21 सही 3/4, ठीक है, ऑप्शन में 23 दिया हुआ है। देखिएगा भाई कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखो भाई ध्यान दे लो, 100 के लाया, 30% बढ़ा के लिख दिया, 130 लिख दिया, फिर वो 6 से ही 1/4% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर 130 का 6 से ही 1/4% यानी 1/16 हम निकालते हैं, तो 16 अट्ठा 128, ठीक है भाई, 16 अट्ठा 128 हो जाएगा, 2/16 1/8, ये 8 सही 1/8 आएगा दोस्त, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, ये आपका 8 सही 1/8 का डिस्काउंट है यहाँ पे,
ठीक है, 8 से ही 1/8 का डिस्काउंट है। और अगर ऐसा है तो सुनो, आप मुझे बताओ, 8 में से एक खत्म करना है, तो 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो जब आपके पास 121 सही 7/8 ही हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 21 सही 7/8% का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो अब हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, बेहद आसान सवाल था, उम्मीद है सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 30% बढ़ा के लिख दिया, ये डिस्काउंट दे दिया, इतने में माल बिक जाएगा, इतने में बिकेगा तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 21 सही 7/8 का। क्वेश्चन के हिसाब से डाटा लेके चलना पड़ता है। ओके, ऑप्शन हमने देखा, ऑप्शन भिन्नों में दे रखा था, पॉइंटों में नहीं दे रखा था, तो हमने भी इसे पॉइंटों में बदलने का प्रयास नहीं किया। देखो भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि अगर किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा अगर इसमें 15% का नुकसान हो। बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल, मैं इसको बोलूंगा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग बताएं, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर कोई भाई इस वाले सवाल को समझ पाता है तो ये समझो कि डिस्काउंट का पूरा चैप्टर उसका क्लियर है, ये मान लीजिए, इतना बेहतरीन सवाल है ये वाला। यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य का 1/4 के बराबर है, लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा अगर इसमें 15% का लॉस हो रहा हो, ये बताना है। ठीक है, बताएं भाई सब भाई, जल्दी से बताएं भैया ना, जल्दी जल्दी आप पेन चलाया करो, ऐसे ढीले से मत बैठे रहा करो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, पता है ना आप लोगों को, टाइम ही तो कवर करना है अपन लोगों को, तो जल्दी जल्दी पेन चलाने का प्रयास किया करो। ठीक है, देखो ध्यान दो, आपसे कहा गया है कि डिस्काउंट है 1/4, अंकित मूल्य का 1/4, यानी कि अगर अंकित मूल्य हमारा 4 है तो डिस्काउंट कितने का है, आप कह दोगे सर 1 का है। आप जानते हो अंकित मूल्य पे जब छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य आता है, तो ध्यान से सुन लो, यहां से हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं कि भाई अगर अंकित मूल्य 4 है, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो माल कितने में बेचा, 3 में बेचा। माल कितने में बेचा भाई, 3 में हमने बेच दिया। आप चाहो तो इनके आगे जीरो भी लगा सकते हो, कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए आप चाहो तो जीरो भी लगा सकते हो, आप चाहो तो मत भी लगाओ तो भी उत्तर आएगा। अब सुनो, एसपी हमें पता लग गया 3 है, सवाल में बोला गया 15% का नुकसान हुआ है। अब मेरी बात को सुनना, हमें जो चाहिए ना, हमें चाहिए क्रय मूल्य का अनुपात, और वो भी किसके साथ, विक्रय मूल्य के साथ। आप मुझे खुद बताओ भाई, आप मुझे खुद बताओ, विक्रय मूल्य आपका 3 है, विक्रय मूल्य 3 है और 15% का नुकसान आपको हो रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या यार, क्रय मूल्य का 85% जो है ना वो आपका 3 दिया हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बताओ भाई। आप 3 रुपए में माल बेच रहे हो, ऐसा करने पे आपको 15% का लॉस हो रहा है, तो कह सकते हो भाई 85% का वैल्यू है ये, तो यहां से क्रय मूल्य निकाल लो। देखो 5 से काटो आप इसे 17 बार, 5 से काटो आप इसे 20 बार, ये 20 ऊपर जाएगा और 17 नीचे जाएगा, तो 20 या 60/17, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 60/17, जबकि विक्रय मूल्य अगर देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बताओ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे 3, 17 ऊपर चला जाएगा, काट लो भाई, जैसे 3 से 1 बार कट जाएगा, 3 से ये 20 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे तो ऊपर 20 ही बचेगा और ये 17 जो भाग में है ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आपका आ रहा है वो 20:17, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, उम्मीद है दोस्तों इस वाले सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बाकी देखो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, आप भी बेहतरीन तरीके से सवालों का अभ्यास करें। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रहे, लगातार पेन कॉपी चलाने से ही अभ्यास होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देख रहे हो लेटे लेटे मोबाइल पे वीडियो और आपका अभ्यास हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पेन कॉपी हाथ में रख के तब आप पढ़ाई किया करो। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल जो है उसकी तरफ, और ये सवाल आप लोगों के सामने है दोस्तों, सवाल आप लोग पढ़ोगे एक बार ध्यान से। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% ज्यादा था, अगर वे छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो दी गई छूट का परसेंटेज क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, दी गई छूट का परसेंटेज क्या होगा। देखो एक बात आप सुनो, अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% ज्यादा है, जैसे आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो भाई
क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, बेहद आसान सवाल है, जल्दी से आप लोग देखिएगा। देखो भाई सुनो, हमने मान लिया किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो 100 रुपीज है, ठीक है। इससे 30% बढ़ा के हमने अंकित मूल्य को लिख दिया, 30% बढ़ा के हमने अंकित मूल्य को लिख दिया 130। और सवाल में कह रहा है कि भाई बेच भी कैसे रहा है, अंकित मूल्य पर ही बेचता है, अंकित मूल्य पे एक साइकिल को बेचता है जो लागत मूल्य से 30% ज्यादा है, यानी कि इस बंदे ने 130 में इसे बेच दिया है, ओके। वो कह रहा है अगर वो छूट प्रदान करता और अंकित मूल्य से 150 रुपए कम में बेचता फिर भी उसे 20% का लाभ होता। पता है 20% का लाभ कब होता है? 20% का लाभ तब होता है, 20% का लाभ तब होता है जब 100 की कोई चीज आप कितने की बेच रहे हो, 120 की बेच रहे हो, तब 20% का लाभ होता है। इसका मतलब माल 120 में बिकता, तो पूछा है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 150 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यार आप ये देखो अंकित मूल्य 130 था, 120 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया? आप कहोगे 10 का दिया, किस पे? 130 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो दोस्तों, 0 से 0 कटेगा, 13 का भाग दो, 13 7 91 बचेगा, 90 हो जाएगा, तो 13 6 78 होता है, और फिर 12 बच जाएगा, 13 9 117 होता है, तो लगभग ऑलमोस्ट डिस्काउंट हम 7.69% का दे देंगे, 150 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले थे डिस्काउंट के बारे में, बहुत बेहतरीन प्यारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा, कल की क्लास में हम लोग नई चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। याद रखें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।